हेलो फ्रेंड्स, इस साल 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी पड़ रही है और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के सारे मंदिरों में उत्सव का माहौल होता है। आज के इस वीडियो में हम गणेश जी के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्धिविनायक मंदिर से। सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। ये मंदिर पूरी दुनिया में गणेश जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और गणेश चतुर्थी के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन करने आते हैं। आपने इस मंदिर के बारे में टीवी और न्यूज़ चैनल्स पे भी सुना होगा, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इस मंदिर काफ़ी जाते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के बाद अब आते हैं डगरूसेठ हलवाई मंदिर पे, जो कि महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। इस मंदिर में गणेश जी की मूर्ति काफ़ी सुंदर है और ये पूरी तरह सोने से सजी हुई है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और भारत में ये गणेश जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। डगरूसेठ हलवाई मंदिर का ट्रस्ट सबसे अमीर ट्रस्टों में से एक है। अब चलते हैं मधुर महागणपति मंदिर, जो कि केरल में है। ये मंदिर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था और यहाँ का पुजारी भगवान शिव की पूजा करता था। एक दिन पुजारी के बेटे ने मंदिर में गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई और तब एक चमत्कार हुआ। गणेश जी की प्रतिमा दिन ब दिन बड़ी होती चली गई और तब से इस मंदिर की मान्यता काफ़ी बढ़ गई और तब से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ महागणपति मंदिर के नाम से। मधुर महागणपति मंदिर के बाद अब चलते हैं उच्ची पेलियार मंदिर। तमिलनाडु के तिरची में कावेरी नदी के पास उच्ची पेलियार मंदिर है। इस मंदिर की कहानी रामायण काल से जुड़ी हुई है। रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम ने विष्णु जी की एक मूर्ति विभीषण को लंका ले जाने को दी, किंतु विभीषण एक असुर था, इसलिए देवी देवता नहीं चाहते थे कि विभीषण अपने साथ विष्णु जी की मूर्ति लंका लेकर के जाए। इसलिए गणेश जी ने एक ग्वाले का रूप लिया और विभीषण को ये मूर्ति लंका ले जाने से रोका। विभीषण ने क्रोधित होकर के उस ग्वाले के सर पर वार किया, जिससे कि उस ग्वाले के सर पर एक निशान पड़ गया। इसके बाद गणेश जी अपने असली रूप में आए और विभीषण ने गणेश जी को जब पहचाना तब उनसे माफ़ी मांगी। अगर आप इस मंदिर की मूर्ति को देखेंगे तो उसके सर पर एक निशान है, जो कि विभीषण के वार का है। इस मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और इस पर जाने के लिए कई सारी सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। अब चलते हैं कणीपक्कम विनायक मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में चित्तूर में है। इस मंदिर की गणेश मूर्ति स्वयंभू है, जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। इस स्थान पर तीन लड़के हुआ करते थे, जिनमें से एक बोल नहीं सकता था, एक देख नहीं सकता था और एक सुन नहीं सकता था। यहाँ पर एक कुआं भी था और लड़के खेतीबाड़ी करने के लिए कुएं के पानी का इस्तेमाल करते थे। एक बार यह कुआं सूख गया था, तब ये लड़के इस कुएं में खुदाई करने लगे। खोदने पर इस स्थान से गणेश जी की मूर्ति निकली और इस मूर्ति के दर्शन करते ही यह तीनों लड़के पूरी तरह ठीक हो गए, यानी कि वह देखने, सुनने और बोलने लगे। इस चमत्कार के बारे में स्थानीय निवासियों को जब पता चला तब वह यहां पर एकत्रित हो गए और तब ये जगह प्रसिद्ध हुई कणीपक्कम विनायक जी मंदिर के रूप में। इस मंदिर की गणेश मूर्ति के साथ एक चमत्कार भी हो रहा है। इस मूर्ति के पेट और घुटने आकार में अपने आप बड़े हो रहे हैं। और अब चलते हैं रणथंभौर गणेश मंदिर, जो कि राजस्थान में है। पूरी दुनिया में यह एक अकेला मंदिर है जहां पर गणेश जी की मूर्ति के तीन नेत्र हैं। यह मंदिर कई हजार साल पुराना है और माना जाता है कि श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का न्योता इसी मंदिर में आया था और तब से जो कोई भी विवाह कर रहा है वह अपना न्योता रणथंभौर के गणेश मंदिर में देता है। गणेश चतुर्थी के समय हर साल यहाँ पर गणेश मेला भी लगता है। तो दोस्तों, ये हैं गणेश जी के कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिर। और इनके अलावा जयपुर का मोती डूंगरी मंदिर, गैंगटॉक का गणेश टोक मंदिर, रत्नागिरी का गणपति पुले मंदिर, तमिलनाडु का वरासिद्धि विनायगर मंदिर
और बैंगलोर का डोडा गणपति मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और गणेश चतुर्थी के दिन इन मंदिरों पे उत्सव का माहौल होता है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। एक बार माता पार्वती को स्नान करने जाना होता है, किंतु उन्हें यह चिंता थी कि कहीं कोई द्वार से अंदर नहीं आ जाए। इसके समाधान के लिए माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण डाल दिए, जिससे कि उसने एक बालक का रूप ले लिया। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि तुम द्वार पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर मत आने देना। तब भगवान शिव वहां पर पहुंचे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश करी, किंतु उस बालक ने अपनी माता के आज्ञा के अनुसार भगवान शिव को रोका। भगवान शिव ने उस बालक को समझाने की कोशिश करी कि मैं पार्वती का पति हूँ, मुझे अंदर जाने दिया जाए, किंतु बालक नहीं माना। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। जब माता पार्वती को इसके बारे में पता चला, तब वह अत्यंत दुखी और अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान शिव से इस बालक में पुनः प्राण डालने को कहा। इस पर भगवान शिव ने कहा कि ये सिर मेरे त्रिशूल से कटा है, इसलिए यह पुनः नहीं जुड़ सकता। तब भगवान शिव ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और जो भी पहला जीव जो कि उत्तर दिशा में सर करके सो रहा हो, उसका सर काट करके मेरे पास लेकर के आओ। भगवान शिव के सेवकों को एक हाथी मिला जो कि उत्तर दिशा में सर करके सो रहा था, इसलिए वह उस हाथी का सिर काट के भगवान शिव के पास लाए। तब भगवान शिव ने उस बालक के धड़ पर उस हाथी का सर लगाया और तब गणेश जी ने जन्म लिया। तो ये है गणेश जी के जन्म की कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस लिस्ट में मैंने कोई मंदिर मिस कर दिया है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में उसका नाम ज़रूर लिखें। गणपति बप्पा मोरया।